देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये सैमसंग का फ़ोन है जो आप देख सकते हो। इसका मॉडल है कुछ सैमसंग 350E। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको दिखा देता हूँ मैं। इसको मैंने खोल लिया ऑलरेडी। ठीक है, इसको मैं चालू करूँगा। देखिए, इसके अंदर हमारा जो ये मेनू बटन है, ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब की वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो मेनू बटन हमारा वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, देखिए मेनू में बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, कॉलिंग वर्क कर रहा है। ठीक है, और हमारा कॉन्टैक्ट का बटन भी वर्क कर रहा है, होम बटन भी वर्क कर रहा है, लेकिन ये क्या मेनू बटन हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो ठीक है, इसका आज आप सोल्यूशन निकालते हैं। पहले हम इसको टर्न ऑफ करते हैं। ध्यान से निकालिएगा, डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ सकता है। फिर जो हमारा की पैड है, इसको हम की पैड को निकाल लेते हैं। हमने इसको की पैड को निकाल लिया है। ठीक है, तो अभी हमको क्या देखना है, और देखिए मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर लेना है आपको। और मल्टीमीटर लेके आपको एक पॉइंट को अर्थिंग में रख के, और एक पॉइंट को आपको देखिए प्लस को आपको यहाँ नहीं रखना है। प्लस को आपका जो मल्टीमीटर का जो रेड वाला पॉइंट है, उसको आपको रखना है अर्थिंग में। ठीक है, ये मेरा रेड वाला पॉइंट है जो मैंने बनाया हुआ है, इसको मैंने अर्थिंग में रखा। और फिर देखिए यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है मिडिल पॉइंट में। ठीक है, अब इसको साइड वाला पॉइंट देखता हूँ, ये पॉइंट चालू है मेरा। और इस पॉइंट के साथ में हमारा कौन सा पॉइंट बोलेगा, देखिए ये बीप मार रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट के साथ में हमारा ये पॉइंट बीप मार रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बाहर वाला पॉइंट है वो ओके है। ठीक है, हमारा जो बीच वाला पॉइंट है उसको हमको डिफ्लेक्शन देना है। ठीक है, तो बीच वाला पॉइंट हमारा कहाँ से आता है, यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नीचे से पूरा ट्रैक थोड़ा थोड़ा वाटर डैमेज के हिसाब से ख़राब हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबको पता है ये चीज़ कि हमको जो बीच का बटन है वो मेनू बटन आता है, यानी कि ये होम में काम करता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, होम में से एक जम्पर लेके हम ये मेनू बटन को दे देंगे। ठीक है, देखिए हमारा ये जम्पर है जो लग चुका है। ठीक है, इसको देख सकते हो, इसको मैंने जम्पर लगाया है अपना जो मेनू बटन से लेकर ऑप्शन बटन से लेकर ओके बटन तक। ठीक है, देखिए, और मैंने यहाँ पे थोड़ा कट भी लगा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कट लगाया, थोड़ा यहाँ कट लगाया, थोड़ा यहाँ कट लगाया, जैसे कि हमारा जंपर है अगर ये बॉर्डर में टच होता है तो शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, आपके फ़ोन के अंदर दूसरा कुछ प्रॉब्लम इसका इशू हो सकता है, इसलिए मैंने कट लगा दिया कि आराम से निकल जाए और दूसरे कोई बटन के साथ टच ना हो और उसको परेशानी ज़्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है, तो फिर अभी आपने इसको जंपर लगा दिया। ठीक है, फिर आपने चेक करते हैं। कोई भी फ़ोन को आप एक बार फिटिंग करने से पहले आप एक बार चेक कर लें। ठीक है, तो क्या है आपको बार बार फ़ोन खोलने की परेशानी ना हो।
देखिए अभी हमारा जो बटन है ये जो बिल्कुल वर्क कर रहा है, ठीक है, ये देखिए वो अप भी हो रहा है और राइट भी हो रहा है, लेफ्ट भी हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा इसके बाद हमारा जो ओके बटन है ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमारा सारा बटन वर्क करना कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो अभी अगर आपके फ़ोन में कभी ये मॉडल के अंदर इस तरह की दिक्कत आ गए तो आप इस तरह जम्पर लगा के ऑप्शन के को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपके फ़ोन में इस तरह का इशू होता है तो आप जो जम्पर मैंने बताया हुआ है वो जम्पर अप्लाई करके आप ये ऑप्शन की का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय।